हेलो गाइस, आज की वीडियो बेहद शानदार होने वाली है। आज की वीडियो यहाँ पर टोटली पेज टाइपिंग वर्क पर यहाँ पर डिपेंड है और यहाँ पर आपको एक ट्रस्टेड जेन्युइन वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पर आप यूएस डॉलर में इनकम कर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल फोन से, कोई लैपटॉप पीसी की जरूरत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा देखना है ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर जब वेबसाइट पर जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ और यहाँ पर आपको 100% सिक्योर वेबसाइट होने वाली है। और यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन यहाँ पर बहुत ही मिनिमम रखा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं तब भी आप यहाँ पर अप्लाई करके अपना जॉब यहाँ पर कर पाएंगे। और बात करें यहाँ पर कौन कौन इस जॉब को कर पाएगा, तो आप यहाँ पर चाहे फ्रेशर हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या आपके पास खाली टाइम है, तो कोई भी हो आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं और काफी यहाँ पर जेन्युइन वेबसाइट होने वाली जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ पर एक खास बात और है कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज में दिक्कत होती है, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप अपने लैंग्वेज में जॉब कर पाएंगे, कोई भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। तो काफी अच्छी वेबसाइट होने वाली, काफी ट्रस्टेड वेबसाइट होने वाली, तो आप सब लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव मनी मेकिंग जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूँ सबसे पहले आप सभी लोगों के पास हमेशा पहुंचते रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइज, आज की जो वेबसाइट होने वाली है writerslab.com, जी हाँ दोस्तों, जो कि एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपना राइटिंग करके, राइटिंग यहाँ पर कुछ एसे वगैरह लिखना होता है जो कि आप लिख करके बहुत सारा इनकम कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग राइटिंग करियर टुडे आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसका लिंक फिलहाल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर फिल आउट योर सी वी, उसके बाद पास द टेस्ट एंड राइट एंड अर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेप हैं, तीनों आपको कर लेना है। फिलहाल मैं आपको पूरा डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होगी क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में पूरा समझाने वाला हूँ, कैसे कैसे आपको टेस्ट पास करना है, कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ पूरा डिटेल में आगे यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर ENL राइटर्स, उसके बाद ESL राइटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ENL राइटर होता है जिसमें आपका नेटिव लैंग्वेज यहाँ पर आपका इंग्लिश होता है, अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप यहाँ पर ENL राइटर चूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपका नेटिव लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं है, कोई अदर लैंग्वेज है, तब यहाँ पर आपको ESL राइटर सेलेक्ट करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको जो है नेटिव लैंग्वेज जो है आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपको आता है तो आप ENL राइटर सेलेक्ट करेंगे, नहीं आता है तो आप ESL राइटर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो, ठीक है, ये आपका आप इसे समझ लीजिएगा। बाकी चलते हैं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आवर बेनिफिट्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने बताया ENL राइटर्स और ESL राइटर्स दोनों के अलग अलग पे रिटर्न भी है, उसको मैं आगे आपको अभी समझाऊंगा पूरा क्या क्या कैसे है, पूरा पेज वाइज है। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और बेनिफिट्स में फ्री रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एक भी रुपया आपसे यहाँ पर चार्ज नहीं लिया जाएगा, सारा पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर अर्निंग तक आपसे यहाँ पर एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, पूरा टोटली फ्री आपको यहाँ पर होने वाला है। द हाइएस्ट वेजेस यहाँ पर हाइएस्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर ऑन टाइम पेमेंट आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर पेमेंट लेने में देने में यहाँ पर एक भी समय नहीं लिया जाएगा, तुरंत आपका काम पूरा होगा, तुरंत आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। 24/7 लाइफ सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस वेबसाइट के द्वारा, आपको कभी भी दिक्कत होती है किसी भी समय, रात दिन हो चाहे जब हो, किसी भी समय आप यहाँ पर अपना सपोर्ट ले सकते हैं, कंपनी द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा किसी भी दिक्कत के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर कंस्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, उसके बाद यहाँ पर फ्लेक्सिबल आवर्स, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, यहाँ पर आप जब चाहे तब काम करिए, यहाँ पर कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, दबाव नहीं डाला जाएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ पर कब काम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई भी दबाव यहाँ पर आपके ऊपर नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मान लीजिए बेनिफिट से इस कंपनी की, जो कि पूरा डिटेल में बताया गया है। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी अर्निंग है कैसे होने वाली है पर पेज की, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको पूरा अर्निंग का डिटेल दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी अर्निंग यहाँ पर प्राइसेस पर आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे सेकेंडरी लैंग्वेज, यहाँ पर ज़्यादातर जो भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादातर वही हैं जिनका सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मैं उन्हीं पर को बताता हूँ यहाँ पर, उन्हीं वो उसी वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बाकी नेटिव लैंग्वेज है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका प्राइस आएगा, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। फिलहाल इस पर मैं आपको देखता हूँ, तो 24 घंटे में आप देखेंगे अगर हाई स्कूल में अगर बंदा है तो
तो उसको $7 पे किए जाएंगे पर पेज, ठीक है। अगर कॉलेज में है तो $9, यूनिवर्सिटी में अगर वो है तो यहाँ पर $10, मास्टर डिग्री किया है तो यहाँ पर आपको $13 मिलेगा, अगर वह PhD का छात्र है तो वहाँ पर आपको $15 आपको मिलेंगे पर पेज राइटिंग के, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो ये आवर्स दी गई है 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन, यहाँ पर काम के लिए है कि यहाँ पर जो भी काम दिया जाएगा वो आपको 24 घंटे में करना होगा। अगर आप 24 घंटे में कर देंगे तो आपको यहाँ पर इतना पेमेंट किया रहेगा, अगर वहीं आप ज़्यादा समय लेते जाएंगे तो वहीं आपका जो पे रिटर्न होगा वो आपको कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोशिश ये करिए कि आप जो भी काम मिले आप उसको 24 घंटे में पूरा करके दे दीजिए, तो वहाँ पर आपको पे रिटर्न बढ़िया मिलेगा। बाकी कोई दबाव नहीं है, बस आपका थोड़ा सा पे रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो क्यों ना आप जो है 24 घंटे में ही काम करके दे दें तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। वही नेटिव लैंग्वेज में देखेंगे जिनका इंग्लिश आता है तो उनका थोड़ा सा पे रिटर्न हल्का सा यहाँ पर और ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं, ये तो सारा हो गया आपका पेमेंट डिटेल। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे जो नेटिव लैंग्वेज में थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा मिलता है, बाकी यहाँ पर जो आपका सेकेंडरी लैंग्वेज होता है, सेकेंड लैंग्वेज होता है, वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा पेमेंट कम मिलता है, वो तो सब बात की बात है। बाकी आप यहाँ पर पूरा पेमेंट डिटेल तो आप समझ गए होंगे, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है क्या कैसे पेमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर होम पर आगे, यहाँ पर कैसे क्या करना है, इसमें कैसे रजिस्टर करना है वो यहाँ पर आप पूरा देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है तो आपको अपने पेज पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा सा फॉर्म खुलकर आ गया है, तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है, घबराइए मत। यहाँ पर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको पूरा करके दिखाने वाला हूँ, पूरा गाइड करने वाला हूँ, तो आप सब लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे भाई आपका जो भी सर नेम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मेल फीमेल जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्री आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कंट्री जितने भी कंट्री यहाँ पर हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं, जिस भी देश से आप बिलोंग करते हो आपको यहाँ पर अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपको अपना बढ़िया सा कंट्री सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना सिटी भी सिलेक्ट करना होगा, लाइक यहाँ पर इंडिया भी है आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इंडिया से हैं तो इंडिया, जाहिर सी बात है इंडिया आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो अपना सिटी यहाँ पर आपको डाल देना है। ईमेल आईडी आपको डालना है, ईमेल आईडी ध्यान ये रखेंगे जो भी एक्टिव अभी ईमेल आईडी हो वही आपको डालना है, ताकि यहाँ पर जब कोई भी जानकारी हो, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर सारा ईमेल आईडी से ही होने वाला है यहाँ पर, तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना जो कि अभी एक्टिव हो, चल रहा हो, और दोबारा से आपको रिटाइप भी कर देना है हमारे अपना ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस भी डाल देना है, एक और ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे, ताकि मान लीजिए कोई भी दिक्कत हो तो दूसरे ईमेल आईडी पर किया जा सके। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है, जो कि पासवर्ड भी काफ़ी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, चलो मैं आपको ऊपर आगे बताता हूँ कैसे आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो पासवर्ड यहाँ पर जो भी रखेंगे जो एक हाई प्रोफाइल पासवर्ड होना चाहिए, जो कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट लेटर आपका पर अपर केस में हो, सेकंड वाला स्मॉल केस में हो, उसके बाद यहाँ से आपका एक नंबर हो, एक स्पेशल करेक्टर हो। चलिए यहाँ पर मैं ऊपर आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कुछ ऐसा रहेगा आपका यहाँ पर पासवर्ड, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपको अपना बना लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड को डालेंगे, पासवर्ड को फिर से डालेंगे, रीटाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक फ़ोन नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर वही आपका जो होता है उसको डाल देंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एक और यहाँ पर, मतलब आपको यहाँ पर अपना दो मोबाइल नंबर, दो ईमेल एड्रेस आपको देना है बेसिकली। उसके बाद यहाँ से आपका ये तो आपका पूरा बेसिक डिटेल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, Have you ever worked for any other online academic assistance company? अगर आपने कोई भी काम अगर किया है दूसरी कंपनी में तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका डिटेल। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे टाइप भी कर सकते हैं किस भी अगर यस पर क्लिक करेंगे तो किस कंपनी में आपने काम किया उस कंपनी का नाम भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाए आर यू अवेलेबल 24/7, तो यहाँ पर अगर आप 24 घंटे सातों दिन यहाँ पर अगर अवेलेबल हैं तब यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। फिलहाल अगर अभी आप नए यूजर हैं अभी तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक ही कर देना है, ताकि आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो बाकी जब बाद में सेट हो जाएंगे तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर इसे इम्प्रूव कर लेना है, नो पर क्लिक करेंगे अपना अपने हिसाब से कर लेना है, यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको व्हाट सिटीजन स्टाइल आर यू फैमिलियर विथ, यहाँ पर आपको समझ में जो भी आ रहा है अपना देखेंगे, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो नॉट एप्लीकेबल अदर पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूछा व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपका जो भी नेटिव लैंग्वेज हो आप इसे टाइप कर देंगे, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश टाइप करेंगे, हिंदी है तो हिंदी टाइप करेंगे, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज हो आप यहाँ से टाइप करेंगे। उसके बाद पूछा व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज जानते हैं तो उसको आप टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्हाट लैंग्वेज कैन यू
यो राइट एकेडमिक पेपर्स, आप कौन पेपर में कौन सा लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश या अदर लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। जो भी आपका लैंग्वेज समझ में आए आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें से आपका लैंग्वेज नहीं है तो यहाँ पर आप अदर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरीफाइड एकेडमिक डिग्री, तो आपका यहाँ पर जो भी हाईएस्ट एकेडमी हो, यहाँ पर मास्टर डिग्री पीएचडी जो भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्हाट डिसिप्लिन फॉर योर प्रोफेशनल इंड, यहाँ पर आप क्या क्या कर पाएंगे, कौन कौन सी मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड जॉब कर पाएंगे, वो आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। मिनिमम आपको 5 करना है, बाकी ज़्यादा तो आप जितने भी है उतने भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको अच्छी लगे, जो भी टॉपिक आपको आती हो, जो भी टॉपिक आपको आसान लगती हो, सरल लगती हो, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लाइक यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको मतलब समझने में आसान लगे, आप उसे टाइप करने में आपको आसान लगे, वो आपको टॉपिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, मान लीजिए आपका टॉपिक सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको व्हाट आर द स्फीयर ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे जो भी आपका हो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको देखने को मिलेगा तीसरा ऑप्शन, उसके बाद व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, अगर आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो हम इसमें C++ है, ऑटोकैड है, उसके जावा है, जो भी आपको आता हो अपना सेलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से आपको जो मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है इसमें ना हो तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करके नीचे आपको नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है अबाउट मी, आपसे पूछ रहा है, आपको अपने बारे में यहाँ पर कुछ लिखना है। तो आपको यहाँ पर 400 करेक्टर दिया गया है, आप यहाँ पर मिनिमम 100 लिख दीजिएगा। तो अपने बारे में आप लिख दीजिएगा कि आप क्या करते हैं, आप कौन सी से रिलेटेड, कौन से टॉपिक से रिलेटेड टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग स्पीड क्या है, अपने बारे में यहाँ पर बढ़िया से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हाउ डिड यू फाइंड हियर, मतलब आप इस जॉब को कहाँ से फाइंड कर पाए, तो आपको यहाँ पर अदर पर डाल देना है, इसमें अदर पर लिखेंगे क्योंकि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अदर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कैप्चा कोड, ठीक है। तो कैप्चा कोड यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है, रिफ्रेश करके आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डाल देना है। रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा, यहाँ पर आप कैप्चा कोड को फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिएगा यहाँ पर मैं पूरा इसको पूरा फॉर्म भर के सबमिट पर क्लिक करके आगे यहाँ पर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे का प्रोसेस आ गया कुछ ऐसा, प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, तो आपकी ईमेल एड्रेस पर यहाँ पर एक कन्फर्मेशन भेजा जाएगा। लाइक यहाँ पर आप देख पाएंगे ऐसा कुछ यहाँ पर आएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके अपने जो भी आपका है उसे कन्फर्म करना होगा। तो यहाँ से आपको क्लिक हियर का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले फ़ोन वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ से आपका कंप्लीटिंग टेस्ट, कुछ टेस्ट आपको यहाँ पर देने होंगे। तो ये टोटल 3 स्टेप हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है फिनिश हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले तो आपका फ़ोन वेरिफिकेशन नंबर डालेंगे, OTP आएगा, वो तो आपका फ़ोन वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी डालना है, पैन कार्ड हो गया डाल दीजिएगा, हो जाएगा। डिग्री आपको जो भी आई है डिग्री हो यहाँ से डाल के अपलोड कर दीजिएगा। बाकी हम बात करें यहाँ पर टेस्ट की, तो टेस्ट क्या देना है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपका यहाँ पर होगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मिनट रहेगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को आपको अपना गूगल पर डाल देना है, सिंपली उसका आंसर आ जाएगा उसके डाल देना, ठीक है। गूगल की मदद से लेकर आप यहाँ पर सारे का सारा जो है आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। सो गाइस चलिए यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको टेस्ट होगा, कैसे देना है। तो चलिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या टेस्ट करना है। टोटल यहाँ पर 4 स्टेप करना टेस्ट होगा, शॉर्ट टेस्ट से आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ से आपको फिर जो है स्टाइल टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ से आपका प्रोफेशनल ऐसे लिखना होगा जो कि 500 वर्ड का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका यहाँ पर 15 मिनट में होगा जो कि आपका 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो वो आपको क्या उसको करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, स्टैंड अप क्लिक हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट टेस्ट जो कि 100 वर्ड में लिखना होगा, 10 मिनट का टाइम रहेगा। और तीसरा यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है स्टाइल टेस्ट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 15 क्वेश्चन का रहेगा, जो कि आपको 7 डे का यहाँ पर टाइम मिलेगा, जो कि 7 दिनों का टाइम मिलता है। आप कोशिश ये करिएगा कि विद इन आपको 48 आवर्स या 72 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर इस टेस्ट को दे देना है, ताकि यहाँ पर ऐसा कुछ ना हो कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाए, इसलिए आपको विद इन 48 आवर्स आपको टेस्ट दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रोफेशनल ऐसे यहाँ पर लिखना होगा जो कि यहाँ पर ये भी 7 डेज का टाइम मिल रहा है, तो इसको भी आप 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर करके दे दीजिएगा। 500 वर्ड का है सब कुछ, यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा ऐसा ऐसा आपको तरीका बता दूंगा आगे भी
कि सारा कुछ आप अपना घर तुरंत ही अपना कर पाएंगे विद इन वन आवर, ठीक है। सब कुछ भी आपको देर नहीं लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं टेस्ट पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या कैसे टेस्ट होने वाला है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर टेस्ट, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, इसी ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको इसमें क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसान बात है, क्या करना है आपको, गूगल पर चले जाना, गूगल पर इसी क्वेश्चन पूरा कॉपी करके यहाँ पर गूगल पर जाकर पेस्ट कर देना है, वहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, वहाँ से क्लिक करके यहाँ पर अपना टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड वाला क्या करना है, सेकंड वाले के लिए आपको मैं पूरा डिटेल बताने वाला। यहाँ पर गाइज आपको जो है 100 वर्ड लिखने होंगे, इससे एक टॉपिक दिया जाएगा, इसी वेबसाइट द्वारा एक टॉपिक आपको दिया जाएगा फाइंड करके, वहाँ से आपको उसी टॉपिक पर 100 वर्ड का आपको जो है इससे लिखना होगा, जो कि टाइम आपको यहाँ पर 10 मिनट दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं गूगल पर, मान लीजिए आपको यहाँ पर स्मोकिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक मान लीजिए दिया जाता है, तो बाकी टॉपिक जो है भी होगा वेबसाइट द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक दिया जाए उस टॉपिक को ऊपर सिंपली आपको लिख देना है, लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट इससे फॉर जो है स्मोकिंग पे मैं देख लेता हूँ, तो स्मोकिंग यहाँ पर इससे अन स्मोकिंग लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है काफ़ी सारी वेबसाइट खुलकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो भी फर्स्ट 3 वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये रैंक कर रही है, तो यहाँ पर कंपनी भी दे सकते हैं भाई, यहाँ पर इसी में से लिया गया, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट की जो भी 3 वेबसाइट है उसे छोड़ देना है, यहाँ पर चौथे या पाँचवें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पर मैं इसे फर्स्ट वाले जो छोड़ देता हूँ, ये है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर ये रैंक कर रहा है, ठीक है, तो इसे आपको नहीं करना है। तो आपको डिफरेंट चाहिए तो डिफरेंट के लिए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है। इसमें से कोई सा भी, एक चौथा पाँचवा छठवा कोई सा भी आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके अपना इसे यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक पर क्लिक कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो है पूरा दिया गया है, ऐसे जो है बढ़िया सा पूरा आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी करना है सैंपल, इससे यहाँ पर आप देख पाएंगे, लाइक यहाँ पर आप देख पाएंगे स्मोकिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर से क्या करना है आपको यहाँ पर पूरा कॉपी कर लेना है, लाइक यहाँ पर ऐसे इसी प्रकार आपको यहाँ पर बढ़िया से कॉपी कर लेना है। 100 पेज तो हो गया, ठीक है। कॉपी करके आपको क्या करना है, मैं वेबसाइट बताऊंगा उस पर आपको चलना है, ये आपका स्पिन बोर्ड वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्या करना है पेस्ट कर देना है। ये वेबसाइट क्या काम करती है, जो भी आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे उसी का यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर लिख कर दे देगी, एकदम अलग रहेगा, यूनिक रहेगा, मतलब आपका कॉपी नहीं पता पाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक स्पिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वर्ड टू वर्ड यहाँ पर आपका एकदम चेंज कर देगा, मतलब वही रहेगा लेकिन जो है वर्ड चेंज हो जाएगा। देख पाएंगे जैसे स्मोकिंग इज वेरी नॉर्मल एमंग दी मोर यूथफुल एज टूडे, और यहाँ पर क्या लिखा है, स्मोकिंग इज द क्वाइट कॉमन एमंग द यंगर जनरेशन टूडे, मतलब वही है लेकिन वर्ड चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको इसे पूरा जो है कॉपी कर लेना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आपका पूरा चेंज हो गया, अब इसे यहाँ पर कोई भी वेबसाइट पकड़ नहीं पाएगी। लाइक यहाँ पर मैं इसको पूरा चेक भी करके दिखाने वाला हूँ, कि आगे चेक करता हूँ कि यहाँ पर ये यूनिक है कि नहीं है, यूनिकनेस का भी यहाँ पर चेकिंग करने वाला हूँ। तो क्या करना है, पहले आप इसको कॉपी कर लेंगे यूनिकनेस चेक करने के लिए। तो यूनिकनेस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसे पहले सबसे पहले तो यहाँ से कॉपी करेंगे, तो यहाँ से जब आप कॉपी कर लेंगे यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉपी हो गया। अब यहाँ पर चले आना है आपको इस वाले वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आएंगे इसे पेस्ट करेंगे, सारा जितने भी वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ सारे के सारे वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है इस बार आई एम रोबोट पर, उसके बाद यहाँ पर प्लैगरिज्म आपको चेक करना है, चेक प्लैगरिज्म पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिला प्लैगरिज्म चेकर है, यहाँ पर पूरा लोड हो रहा है। यहाँ से लोड होने के बाद अगर यहाँ पर आपका पूरा दिखा देगा यूनिक है कि नहीं यूनिक है, पूरा डिटेल में ये बताएगा वेबसाइट। तो ऐसे ऐसे टूल यहाँ पर मैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसका यूज करके आप बहुत ही आसानी से इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0% प्लैगरिज्म, इसका मतलब आप 100% यूनिक है। यहाँ पर देख पाएंगे ये एकदम यूनिक वर्ड आपको निकाल कर दे दिया है। आप इसे यूज करके आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे जहाँ यूज करेंगे आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, आपका 100% ये पास्ड हो जाएगा। बाकी इसे यहाँ पर चलिए मैं पूरा इसे कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इसको आपको फाइल में जो है PDF में बनाना होगा, तो उसके लिए आपको गूगल डॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है गूगल डॉक्स, ठीक है। गूगल डॉक्स करेंगे उसके बाद यहाँ फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर गूगल डॉक्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको गो टू डॉक्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा, उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके ब्लैंक पेज आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। ब्लैंक पेज लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऐसे यान जो स्मोकिंग वाली जो आपका जिस टॉपिक है उस टॉपिक को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उस टॉपिक को जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ऐसे ऑन जो है स्मोकिंग, ठीक है।
इसे मैं थोड़ा सा बीच में लेकर आऊँगा ताकि देखने में जो है अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। यहाँ से मैं इसको बीच में कर लेता हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से आपको नीचे पहले आना सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करेंगे उसके बाद प्लस वाले आइकन पर जब क्लिक करेंगे ना थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग टाइप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और बीच में कर लेते हैं। और उसके बाद जो भी आपने वहाँ से कॉपी किया हो उसे कॉपी करके यहाँ पर जो इससे आपका है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपका इससे आ गया है। अब गाइस क्या करना है, आपको इसे जो है पीडीएफ में आपको सेव कर लेना है, पीडीएफ से यहाँ से बना लेना है। बाकी अगर यहाँ पर ग्रामरली अगर आप चेक करना चाहते हैं, ग्रामरली नाम से एक वेबसाइट आती है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए इसमें कोई पंचुएशन में, फुल स्टॉप में या कॉमा में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो वो जो है यहाँ पर आपको उस ग्रामरली वेबसाइट में इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो भी दिक्कत परेशानी होगी, चाहे पंचुएशन में, फुल स्टॉप में या कॉमा वगैरह में, सब कुछ जो है आपको वहाँ से सही करके देगा और पूरा सही कर देगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, पूरा वो अपने आप सही कर देगा ऑटोमेटिक। बाकी उसके बाद यहाँ से आपको जो है इसे सेव कर लेना है। फाइल पर क्लिक करके यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, डॉक्यूमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए आपका जो है, उसके बाद यहाँ पर ले आकर अपलोड कर देना है। अपलोड कर देंगे आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पर थर्ड स्टेप की। सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर गूगल से देख करके आपको यहाँ कर लेना है। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है, वहाँ पर जैसे आपने 100 वर्ड के लिए आपने किया है ऐसे लिखा है, सेम वैसे आपको यहाँ पर 500 वर्ड्स के लिए आपको ऐसे लिखना है। 500 वर्ड्स के लिए सेम उसी प्रकार आपको अपना गूगल पर सर्च करना है। उसके बाद वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट थ्री वेबसाइट छोड़ देंगे, चौथी पाँचवीं छठाई में से कोई वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से जाकर बढ़िया उसका यूनिक एक बना लेंगे, यूनिकनेस चेक कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से अपना सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अंडर रिव्यू में चला जाएगा, विद इन 24 या 48 से 72 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर रिप्लाई आ जाएगा और यहाँ से आपका अप्रूव कर दिया जाएगा आपका वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर शो होने लगेगा जो भी काम होगा और वहाँ से काम लेकर आप बहुत ही आसानी से जॉब कर सकते हैं, बहुत ही आसानी। उसके बाद यहाँ पर पे रिटर्न दिया गया है, अच्छा खासा पेमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह का आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी लंबा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बस यही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जो भी प्रोसेस आपका दिया गया है इसे आप बढ़िया से करिएगा, पूरा बढ़िया से मैंने समझाया, सरल भाषा में समझाया, आसान भाषा में समझाया है तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। सो गाइस बाकी यहाँ पर एफएक्यू सेक्शन भी दिया गया है, यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपका पूरा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे पेमेंट से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर आपको पेपाल पर आपको पेमेंट मिल जाएगा, पेनियर पर मिल जाएगा थ्रू, वो पेपाल में आपका पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 24 घंटे के अंदर डायरेक्ट आपके बैंक में यहाँ पर आपका क्रेडिट हो जाएगा। पेपाल अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देखकर अपना पेपाल अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर जो भी आपका दिक्कत है सारा का सारा यहाँ पर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, उस यहाँ पर आप अपना वर्क जरूर करिएगा, रजिस्ट्रेशन करके पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से पर पेज यहाँ पर बहुत सारा इनकम कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन से, कोई भी लैपटॉप पीसी की जरूरत नहीं होने वाली और यहाँ से आप बहुत सारा इनकम करके अपने बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट होने वाली है। आपको ये वेबसाइट कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी अर्निंग से रिलेटेड मनी मेकिंग जो भी वीडियो यहां पर मैं प्रोवाइड करूं सबसे पहले आप सभी लोगों के पास हमेशा पहुंचते रहे और आप उससे बहुत सारा लुत्फ उठा पाएं। और हाँ, कोई भी दिक्कत होती है वेबसाइट से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको जो उचित सोल्यूशन होगा आपको दिया जाएगा। मिलते हैं ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम।